सबसे गंभीर मसला डूटा के सामने आज जो बना हुआ है वो ये कि 4000 से अबव टीचर्स 4000 से ज़्यादा टीचर्स यहाँ पर एडहॉक की तरह किसे पढ़ा रहे हैं जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है जिनके पास कोई मेडिकल लीव नहीं है मेटर्निटी लीव नहीं है जिनके पास ये एश्योरेंस नहीं है कि कल को अपॉइंटमेंट होगा तो उनका हो पाएगा कि नहीं डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने इतने साल काम किया है कि सरकार से हम पिछले दो साल से बहुत कंसिस्टेंट तरीके से ये मूवमेंट चला है कि हम वन टाइम रेगुलेशन ऑन चाहते चाहते हैं हम चाहते हैं हम कि सरकार इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि ये जो 10 साल में आ, इनका संख्या जो है बढ़कर चार हज़ार इसलिए हुआ क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है आ, तीन बारी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन पूरा नहीं हो पाया दो में दो में दिसंबर में एक हाई कोर्ट जजमेंट आया जिसने कहा कि टाइम बाउंड मैनर में अपॉइंटमेंट होना होगा और एच को एमएचआरडी को और यूजीसी को इसका पार्टी बनाया इस कोर्ट केस में और कहा इसे टाइम बाउंड में करो तब हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल पूरी नहीं होती पाँच मार्च 2018 में एक यू का लेटर आ जाता है जो कहता है कि रोस्टर को चेंज किया जाए इंस्टेड ऑफ 200 पॉइंट रोस्टर ट्री, आ, ट्रीटिंग आ, कॉलेज एज अ यूनिट और अ यूनिवर्सिटी एज अ यूनिट आप डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर करिए ये बिल्कुल एंटी रिजर्वेशन तो था ही था पर उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता एक बहुत बड़ी आ, हमारे लिए प्रॉब्लम था आ, इसी तरीके से हम देख रहे हैं तो उसकी वजह से सारे जो एडवर्टीजमेंट है वो लैप्स कर गए तो 2017 में सारे एडवर्टीजमेंट लैब्स हो गए जो 2017 में आए 2019 में भी हम देख रहे हैं कि एड्स निकले कॉलेज के पर वो लैब्स कर गए हैं लोगों ने अप्लाई किया पर उनको नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल भी नहीं आया एक और वरी का जो कारण है वो ये कि यू रेगुलेशन टू में जहाँ पर इंटरव्यू के मे के साथ साथ जो टीचिंग था उसको भी वेटेज था आज यू रेगुलेशन टू एटीन में 100 परसेंट वेटेज इज़ इन देंड्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी तब जिस तरीके से अपॉइंटमेंट देश भर में हो रहे हैं किसके हो रहे हैं वो देखकर हमें ये लग रहा है कि अगर अपॉइंटमेंट रिग हुआ तो जिसके पास कनेक्शन नहीं है पर जो बेहतरीन टीचर्स हैं वही वो यहाँ से आउट हो जाएंगे सेकेंड वेव में हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ हमने देखा कैसे जो हमारे नए साथी हैं हमने बहुत सारे नए साथियों को भी खो दिया लगभग बीस से ऊपर डॉक्ट टीचर्स हैं आ, जिनको लाइफ का एक तरीके से क्षति हुआ है और हम समझ रहे हैं कि एक इनसिक्योरिटी पैदा हुआ मेडिकल बिल्स उनका कौन पे करेगा मेडिकल लीव उनके पास नहीं है मेटर्निटी लीव उनके पास नहीं है उनका जो लाइफ का जो फ्रेजाइल है वो एक तरीके से कोविड ने उसको उनके सामने और हम सब के सामने ला खड़ा कर दिया तो डूटा के पास जो सबसे अहम कॉल है वो यही है कि ये जो पद खाली पड़े हैं इनको भरा जाए और जो टीचर्स यहाँ पर काम किए हैं उन्हीं से भरा जाए तो वन टाइम एब्जॉपशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं फॉर एंड टीचर्स टीचर्स लगभग 25 हैं जो से लगभग 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में विदाउट गेटिंग अ परमानेंट जॉब तो अपने एडहॉक टेम्परेरी टीचर्स के लिए वन टाइम रेगुलेशन की डिमांड के साथ डूटा आगे चलेगा इस पर मोर्चा बनाएगा अपोजिशन पार्टीज को जोड़ते हुए सरकार से मदद लेते हुए सरकार पर आप इसको करें हम जब पंद्रह सेप्टेम्बर को डूटा के ऑफिस बेरर मिले यूनि यूजीसी से तो यूजीसी ने कहा कि हम यह समझ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है आपका जो एब्जॉपन का कॉल है उसको भी हम समझते हैं पर यह पार्लियामेंट से सीधा आएगा तो हमारा जो बड़ा मूवमेंट होगा वो पार्लियामेंट में इस सवाल पे आ, बहस और इस सवाल पे रेजोल्यूशन के लिए एक मूवमेंट बनाना हमारा एक पहला अहम मुद्दा है सरकार ये दावा कर रही है कि 2030 तक वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को फिफ्टी परसेंट पर ले जाएगी आ, लेकिन वो इसमें खर्चा नहीं करना चाह रही तो अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे तो आप देखेंगे कि सरकार आज के दिन में जब एजुकेशन पॉलिसी बना रही है तो सिर्फ सिक्स परसेंट ऑफ जीडीपी प्रॉमिस कर रही है और रियलिटी क्या है कि अभी तक सरकारें फोर पॉइंट समथिंग जीडीपी ही खर्च कर रही हैं एजुकेशन पर इससे बड़ा नहीं है सिक्स परसेंट तो आ, 1948 में आ, आ, बोल दिया गया था एजुकेशन की ओर खर्च होना चाहिए आज जब बहुत सारे दलित बहुजन महिला बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं एस्पायर कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एजुकेशन को पब्लिक गुड की तरह देखता है ये इंडिविजुअल के राइज के लिए तो ज़रूरी है डेमोक्रेसी को भी जोड़ने के लिए जरूरी है तो हमेशा ये हुआ कि ये पब्लिक गुड uh, है और आज जब बहुत सारे लोग समझते हैं कि एजुकेशन ही उनके ऊपर अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उनकी डिग्निटी के लिए उनके जॉब के लिए ये ज़रूरी है आ, तब हम देख रहे हैं कि सरकार बजाय 10 परसेंट जी डी करती न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वो सिर्फ 6 प्रतिशत तक जा रही है एन ई ये चाह रहा है कि जो इस समय अकेडमिक स्ट्रक्चर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाए इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी वो ये चाह रहा है कि कॉलेजेज़ और यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो 20 से 25 प्राइवेट लोग होंगे जैसे आज के दिन में गवर्निंग बॉडीज़ दिल्ली सरकार की होती हैं या हमारे कॉलेजेस की होती हैं इस तरीके के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में के अंतर्गत हम एक यूनिट को डालेंगे और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी कोई रिप्रेजेंटेशन टीचर्स को मिलेगा नहीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेंगे कि सर्विस कंडीशन कैसे होंगी वो तय करेंगे कि कोर्सेज़ क्या चलेंगे एम्प्लॉयज़ के क्या आ, 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 पूरी सर्विस कंडीशन एक्चुअली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखेंगे कौन सा कोर्स चलेगा नहीं चलेगा फीस कितना होगा कि आ, नहीं होगा ये भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेंगे तो ये बिल्कुल एक कॉपरेट मॉडल है एजुकेशन का और ये यूनियंस को ख़त्म करने का एक मॉडल है टीचर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्लेसेस विल वो एनविस जी नहीं है वहाँ पे नॉमिनेशन है पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एक टीचर की वॉइस को ख़त्म करने का एम्प्लॉयज़ की वॉइस को ख़त्म करने का तरीका होगा और सीनीटी वो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग प्रोबेशन पीरियड होंगे टेन ट्रैक होंगे तो इस तरीके से एकदम हमारी जो सर्विस कंडीशन जो हम लगातार लड़ते रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन से लोग जुड़ें इसका आर्ग्यू करती रही है डूटा वो सारी चीज़ों को एक साथ एन जो है खारिज करता है और एक नए मॉडल कॉपरेट मॉडल की ओर कमर्शियल मॉडल की ओर पूरे पूरे एजुकेशन सेक्टर को धसे आ, आ, धकेल रहा है एफ आई यू पी का क्या प्रॉब्लम है और दो हज़ार तेरह में हम उसके खिलाफ लड़े थे और आज हम देख रहे हैं कि आ, आ, हमें प्रॉमिस किया था मोदी सरकार की ओर से ही हुआ था कि हम एफ आई यू पी को रोल बैक करेंगे आज ये सरकार पूरे देश के लिए एफ आई यू पी लेकर आ रही है आ, इसके अंदर सबसे प्रॉब्लम यह है कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पेरेंट्स और स्टूडेंट का खर्चा एक साल से बढ़ा रहे हैं अगर आप देखें कि एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट दिल्ली बैठता है उसका लगभग डेढ़ लाख से दो लाख पर ईयर खर्चा होता है जस्ट बिकॉज दे आर सिटिंग अवे फ्रॉम देयर प्लेसेज इन दैली एंड दस से पंद्रह हज़ार रुपया पर मंथ उसका रेंट uh, पे जाता है ये भी इसको भी एजुकेशन के प्रति खर्चे को माना जाना चाहिए तो जब आप फोर्थ ईयर बढ़ा रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी लेयर के लिए एक एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स एजुकेशन बढ़ा रहे हैं आ, दूसरी बात यह है कि इसी स्ट्रक्चर में से आप चाहते हैं कि अगर एक साल बाद स्टूडेंट आउट हो एग्जिट ले तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाए दो साल हो तो डिप्लोमा दे दिया जाए तो ये जो हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बहुत ही डाइल्यूटेड डिग्रीज होंगी और इसके बेसिस पे नौकरी नहीं मिल सकता आ, जब आपके पास अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और पी स्टूडेंट्स बैठे हैं नौकरी के लिए वहाँ पे सर्टिफिकेट का क्या मीनिंग होगा और सर्टिफिकेट इन हिस्ट्री का क्या मीनिंग होगा देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर्टिफिकेट मीनिंगफुल कोर्सेज़ बन सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज भी मीनिंगफुल हो सकते हैं पर अगर एक ही स्ट्रक्चर में से आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा निकालना है तो इन आ, इनको हमेशा ड्रॉप आउट की तरह ही देखा जाएगा और आप देखेंगे कि एन में इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई आर्टिकुलेशन नहीं है और एक और चीज़ हमने पिछली बार भी जब एफ को लड़े थे हम क्यों लड़े थे आ, कि ये जो जब आप एग्जिट दिखाते हो और कहते हो आप बाद में एंट्री ले लेना इस वजह से कि शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा मिल रहा है ये क्या काफ़ी है बहुत सारे घरों में जब सवाल होगा और जिस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो कौन लोग हैं जो बाहर हो जाएंगे एट्रिशन रेट एक्चुअली बढ़ेगा क्योंकि स्टूडेंट को लगेगा कि कोई चॉइस है रियलिटी में कोई चॉइस नहीं है तो आ, घर में बात होगी महिलाओं के ऊपर के अच्छा ठीक है आपने डिप्लोमा ले लिया अब आप बाहर हो जाइए सिस्टम से ये सारी दिक्कतें होने वाली हैं और जो लोग बाहर होंगे वो दलित बहुजन महिला जिनका इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं वही लोग बाहर होंगे और एक तरीके से हम इससे एक स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट कर रहे होंगे कि वंस अगेन किसको वाइट कॉलर जॉब मिलेगा और कौन सर्विस सेक्टर में एक चीप लेबर की तरह आ, भेज दिया जाएगा भयंकर रेगुलेशंस आए हैं फिलहाल एक मार्च 2021 में अर्थात स्वयं रेगुलेशन जिसके स्वयं क्या है एक पोर्टल है एक आर्काइव है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े हैं मोक्स पढ़े हैं और कोर्सेज़ पढ़े हैं तो सरकार ये चाहती है कि आप 40 परसेंट अपने कोर्सेज़ जो हैं स्वयं से कर लें तो स्वयं रेगुलेशन यूनिवर्सिटीज़ को कह रहा है कि स्वयं रेगुलेशन अडॉप्ट होना चाहिए और स्टूडेंट की यह स्वात्ता होनी चाहिए ऑटोनॉमी होनी चाहिए चॉइस होनी चाहिए कि वो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के पढ़ना चाहता है या वो ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहता है फिर जो ट्वेंटी जुलाई 2021 में मोदी जी ने एक तोहफे की ओर दिया की तरह दिया कि एन ई पी इम्प्लीमेंटेशन का एक साल पूरा हुआ है और हम आपको दे रहे हैं वो था ए सी रेगुलेशन जो आपकी हाई रेटिंग रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रेटिंग रैंकिंग अच्छा है आई आई टीज़ जे एन यू मैनी यूनिवर्सिटीज़ दे पूल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड द स्टूडेंट का जो क्रेडिट uh, जमा करने का खाता है अभी तक यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस उसको देखते थे वो एक सेंट्रल उसको अकाउंट मिलेगा जिसमें क्रेडिट जमा होता रहेगा और बात यह है कि स्टूडेंट जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई मॉड्यूल कर लेगा तो सरकार ये समझ रही है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को मिला दिया जाए और ख़र्चा इतने में ही और स्टूडेंट्स निपट जाए पर जो डिग्री है उसके ऊपर फोकस शिफ्ट हो गया बजाय एजुकेशन के एंड यू सी दैट अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्टेंस लर्निंग मोड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ लर्निंग लेकिन जब हम वाइट कॉलर जॉब्स की बात करते हैं तो अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ स्टूडेंट्स हु गो टू द दैंपस दैट गेट वाइट कॉलर जॉब वाई बिकॉज जितना पढ़ाई लिखाई आपका क्लासरूम के अंदर होता है उससे ज़्यादा एक तरीके से स्टूडेंट सीखता है कॉरिडोर्स में आकर अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाता है विकस उसका विक आ, विकास होता है प्रतिभाओं का और उसके बलबूते भी उसको नौकरियां मिलती हैं तो जो क्लासरूम है एक इक्वल स्पेस जो जनरेट होता है उसमें जो स्टूडेंट की लर्निंग होती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकती अगर हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जाएंगे ये तो उनकी एजुकेशन को क्षति होगा ही होगा पर उसकी वजह से जो वर्कलोड घटेगा उसमें टीचर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और मैं ये समझती हूँ कि हायर एजुकेशन या एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो लूप जिसमें बंद होता है तो अगर आपके पास फ्यूचर में टीचर्स की पोस्ट ही नहीं है तो हायर एजुकेशन के लिए कितने स्टूडेंट्स बढ़ेंगे ये अपने आप में एक सवाल है Uh, जहाँ तक uh, ये जो स्टेटमेंट uh, uh, एक टीचर ने दिया फेलो कुलिग ने दिया ऑन मार्क्स जिहाद दैट इज़ एन अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट एंड आई थिंक इट शुड नॉट कम फ्रॉम टीचर्स आर वर्किंग इन पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हाउ एवर

पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की चुप्पी लेने का एक तरीके से खरीदने का तरीका है कि मार्क्स दे दिए जाएं हम ये अपने अभी देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं परीक्षाएं हो रही हैं स्कूलों में भी बगैर ये देखे कि, कि किसके पास स्मार्टफोन है नहीं है एंड्रॉयड है कि नहीं है सुविधा पढ़ने लिखने की है या नहीं है सरकार उन कमियों को पूरा कर नहीं रही टीचर को परमानेंट कर नहीं रही इंफ्रास्ट्रक्चर को दे नहीं रही तब मार्क्स इन्फ्लेशन बिकम्स एजी वे to buy silence of parents and students. so all is well. all is well. but this is not the solution. and in some sense, we are cheating the youth. because when they will finally go to the market uh, to get their jobs, it is the education, it is the content, it is uh, the techniques they have developed, the analytical thinking which they, might, they will develop, which will count, uh, which will take them places. एक चीज़ जो इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं वो ये कि ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज़ गॉन एंड वाइस चांसलर्स आर बींग सेंट विद द एजेंडा सो टूडे द एजेंडा इज़ टू इम्प्लीमेंट एन ई पी एंड We will have to see within that uh, what flexibility of fighting, resisting will come to us in the academic council, in the executive council, through debate and discussion. Otherwise, what we can do is that what we have always done is to articulate issues and to create uh, joint movements. This is how we move forward on any issue.